तो भाई इतना बड़ा मॉन्स्टर फ्रैंकलिन और उसके दोस्त ऑगी और सिंचैन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलिए यार वीडियो में आगे जानते हैं क्या भाई हमारे फ्रैंकलिन को मार देता है, आगे देखते हैं। तो यार आज तो ऑफिस में यार बहुत ज्यादा काम था यार, काम कर करके मैं तो थक गया यार, पूरा अपने घर पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। एंड भाई आज बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, तो मस्त एकदम नए वाए कपड़े उतार उतूर के मस्त अपन बैठ के सोएंगे यार, तो टीवी देखेंगे और सोएंगे और कोई काम नहीं करने वाले आज के दिन हम। बट भाई आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अपना कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमको कुछ ना कुछ करना ना पड़े। तो भाई चलिए पहले टीवी चालू करके देख लेते क्या चल रहा है। भाई ये क्या है, ये तो भाई फ्रैंकलिन के पीछे कोई पड़ा हुआ है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये मॉन्स्टर है कोई, भाई उसका घर लौटा रखा है उसने सर पे एंड फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भाई फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा एंड भाई इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। तो भाई अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाई सबसे पहले टीवी बंद करते हैं अपनी एंड भाई कपड़े थोड़े बदल लेते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम कर करके हमारे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो भाई जल्दी से जाते हैं अपने कपड़े बदल लेते हैं पहले। एंड हमारे पास आज कुछ नया आया है कपड़ों में कि नहीं आया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाई अपने कपड़ों में देख लेते हैं शर्ट भाई कौन सी पहने आज। आज भाई कोई ऐसी शर्ट पहनेंगे जो आज तक हम लोगों ने पहनी ना हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं यार, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक करके भाई जल्दी से इस वीडियो पर 10 लाइक कर दो। एंड अगर आप लोग इस वीडियो पर 10 लाइक कर देते हो तो भाई आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है बहुत ही तगड़ा। तो यहाँ पे ये वाली शर्ट और ये वाली हमने तौलिया डाल ली है भाई अपने गले में एंड अब हम चल देते हैं सीधा भाई फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा ही है फ्रैंकलिन और उसके दोनों दोस्त भाई भाग रहे थे बहुत ज़्यादा तेज। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना तो भाई वार उन लोगों को वो मार देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के भाई सीधा चलते हैं अपने टॉमी के पास है ना, उसको जाके बोलते हैं भाई कि घर को देखना, क्योंकि अगर हम लोग घर पे नहीं होंगे तो भाई पक्का से चड्डी गैंग आके भाई हमारे घर से कुछ ना कुछ सामान उठा के ले जाएगी डेली की तरह। तो भाई हमारा टॉमी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई, वो जब भी देखो हमारे घर की रक्षा करता रहता है, तो इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है यार हमारे टॉमी के लिए। और भाई ये बाइक जो आप लोग देख रहे हो भाई, ये बाइक हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा पुरानी, यानी कि इसकी सर्विसिंग भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको जल्दी से लेके चलते अपने गैराज में एंड भाई 2 मिनट का काम है भाई, गैराज में जाके इसको जल्दी से यार अपने को सर्विस वर्विस करके मॉडिफाई करके सीधा चलते हैं भाई फ्रैंकलिन के पास। एंड भाई लोकेशन हमारे पास आ चुकी है फ्रैंकलिन की, उससे पहले हम लोग जाएंगे भाई अपने गैराज में। तो भाई गैराज में हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एंड भाई वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो का 1 सेकंड का भी पार्ट। एंड अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो ना तो भाई सच में यार आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है। एंड जो भी बंदे यार 13 से लेकर 17 साल के हैं वो मेरे को कमेंट में बताओ आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट कौन सा लगा। एंड जो भी बंदे कमेंट करेंगे भाई उनको मैं एक सीक्रेट चीट कोड भी देने वाला हूँ इस गेम का, जो आज तक किसी को नहीं पता है। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी का कलर करना स्टार्ट कर दिया एंड भाई गाड़ी को हमने कर दिया रेड, उसकी एलॉयस को कर दिया हमने भाई, इनको भी हम शायद रेड करते हैं बट भाई रेड मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको कर देते हैं भाई हम कैसे करें आप लोग बता मेरे को। तो चलिए इनको कर दिया हमने इस कलर का एंड इसको अब कर देते भाई सस्पेंशन को इनके को बड़ा एंड इसके पीछे के सस्पेंशन को भी बड़ा कर देते, जिससे क्या होगा अगर हमारे पीछे को पड़ जाएगा तो भाई हमारी गाड़ी फुल स्पीड के अंदर भाग तो सकती है कम से कम, एंड भाई बड़े टायर कर देते तो भाई किसी को भी टक्कर देने में आसानी होगी ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको किसी भी पर्सन से या किसी भी रोबोट से अगर वो लोग हमारे पीछे रोबोट छोड़ देते हैं। तो अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से यार लाइक करके कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार, छोटा सा बटन है भाई उसको दबाना होता है एंड सब्सक्राइब हो जाता है। तो भाई गाड़ी हमारी हो चुकी है तैयार, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रही है। एंड चलिए अब हम अपनी लोकेशन मार्क कर लेते हैं कहाँ पे हमको जाना है। तो भाई हमको बताया उसने कि गार्डन के अंदर भाई वो मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हम उसको वहीं घुमा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाओ। तो भाई गाड़ी को हमने अपनी सुपर बाइक को उठा के हवा में भाई आ चुके अपने गार्डन के पास, एंड गार्डन के पास आके अब हम उसको पेलने के लिए जाने वाले हैं। तो भाई अब हम मॉन्स्टर को पेलने के लिए भाई गार्डन में अंदर जाने वाले हैं। तो आपने अभी भी लाइक नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो, अंदर आ चुके हैं भाई गार्डन के एंड अब हम जाते हैं फुल स्पीड के अंदर भाई गार्डन में। एंड भाई वहीं पर वो मॉन्स्टर, मेरे को आवाज़ आ रही है भाई उसकी कि वो मॉन्स्टर वहीं पर है, तो भाई उसको जल्दी से जाके हम पेल देते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं भाई, यहाँ पर तो हमें कोई नहीं दिख रहा है, चलिए हम अपनी बंदूक निकाल लेते हैं, बंदूक निकाल के भाई हवा में फायर करते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास शक्तियाँ हैं भाई, वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पे हम अपनी बंदूक निकाल लेते हैं भाई उसको मारने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो भाई बंदूक हमारी कहाँ है, तो भाई जल्दी, तो यहाँ पे हम अपनी बंदूक निकाल चुके हैं भाई, यहीं पे वो मॉन्स्टर आने वाला है एकदम, और भाई देख ही सकते हो आप लोग एकदम से वो हमारे सामने आ गया है भाई, उसको फिर से गायब हो गया। तो ये है यार उस मॉन्स्टर की प्रॉब्लम एंड इसका सॉल्यूशन एक ही बंदे के पास है जिसने इस मॉन्स्टर को बनाया है। तो भाई हमको जल्दी से जाना पड़ेगा भाई उस बंदे के पास एंड उस बंदे के पास जाके भाई उससे पूछना पड़ेगा भाई इसका क्या सॉल्यूशन है कि इस मॉन्स्टर को हम एक ही बार में ख़त्म कर दें, या फिर तेरे पास कोई चाबी हो तो हमको दे दे भाई, उसको दबा के हम एक बार में इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दें। बट भाई वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़राब बंदा है भाई पूरी सिटी का, तो देखते हैं वो हमको चाबी देता है या नहीं देता, अगर देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो भाई अपने पास सॉल्यूशन है उससे चाबी छीनने का। बट भाई क्या दिक्कत रहती है ना, हमारी जो पुलिस है यार वो बीच में आ जाती है, अगर वो बीच में ना आए ना
तो सच में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं फुल स्पीड के अंदर, भाई देखते हैं यहीं पे वो हमको बंदा मिलने वाला है। भाई हमसे बोला गया है कि उस बंदे का मतलब पूरा गैंग भाई फ्लाईओवर से यानी कि एरोप्लेन से यहाँ से दूर जाने वाला है। तो भाई इसको हम देख लेते हैं। भाई हमारी गाड़ी आज ना बहुत तगड़ी चल रही है, देख ही सकते हो आप लोग। तो ये देख लो भाई, गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, बंदे वो खड़े हैं, देखो भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसके पास। तो यहीं से हमको शायद स्नाइपिंग करके उसको आज मारना पड़ेगा। तो इस बंदे ने हमको मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ कि हम तुमको चाबी नहीं देने वाले हैं। तो इसको तो हमने मार दिया है भाई, एक एक करके हमने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार के भाई उनसे चाबी छीन लेते हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है भाई, पुलिस नहीं आनी चाहिए। अगर पुलिस आ गई भाई तो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा। एंड भाई मेरे को लगता है पुलिस आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब आप लोग मेरे को बताओ भाई, इस पुलिस का कोई इलाज हो आपके पास तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर बता देना जल्दी जल्दी से। तो भाई पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, एंड अब हम क्या कर सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें। अरे यार पहले तो यार ऐसा करता है ना, इन पुलिस वालों को मार देते भाई, इन लोगों को ज़्यादा ही हो रहा है हमेशा से, तो इनको पहले निपटा देते भाई। जल्दी जल्दी से इन पुलिस वालों को मार के उसके वो 7-8 बंदे बचे उनको भी मार देते हैं, उसके बाद हमको वो चाबी मिल जाएगी। अगर हम उन बंदों को नहीं मारेंगे तो भाई वो चाबी लेके जल्दी से भाग जाने वाले। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस पुलिस को निपटाना। भाई पुलिस आ जाती है ना, ये हवलदार, अगर कोई बड़ा मिनिस्टर आए तो भाई बात भी अलग होती है, भाई हवलदार आ जाते हैं और भाई फालतू में आके फिर हमको टॉर्चर करते हैं, फिर ये चीज़ हमको लगती है गलत। तो भाई जल्दी से सबको क्लियर करके हम उन बंदों को भी मार देते हैं। भाई ये बंदा बचा है, इसको हम मारते हैं। भाई एकदम एम करके मारूंगा, 1-2-3 ये मर गया। अब बचा भाई ये वाला, तो भाई टॉमी मारा यहाँ कहाँ से आ गया, तो घर की रक्षा कौन कर रहा है? भाई ये भी प्रॉब्लम हो गई यार बहुत बड़ी ज़्यादा। तो इन बंदों को मार के चाबी लेके भाई फ्रैंकलिन को बचा के हम जाएंगे भाई अपने घर, देखते कहीं चड्डी गैंग ने हमारी कुछ चीज़ तो चोरी नहीं कर ली या फिर हमारे मोती को वहाँ से छोड़ के भगा तो नहीं दिया। तो भाई जल्दी जल्दी से इनको ख़त्म कर देते हैं सालों को, एंड भाई फिर चाबी उठा के सीधा निकलते हैं फ्रैंकलिन को बचा के। अपने घर पर भी जाना भाई, अगर घर नहीं जाएंगे तो भाई पक्का आज वो लोग घर में बॉम्ब लगा के हम लोगों को ब्लास्ट कर देने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर हम इन बंदों को तो मार चुके हैं, एक बंदा बचा है इसको भी हमने मार दिया, एंड भाई चाबी हमारे पास आ चुकी है। बट यार पुलिस फिर से आ गई तो इसको भी निपटा देते हैं हम। दे लो पुलिस को भी निपटा दिया भाई, अब और पुलिस नहीं आनी चाहिए। अरे यार शेरू क्या हो गया भाई? भाई आप लोग देख ही सकते हो, रोबोट ने हमारे ऊपर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। हम जैसे ही भाई चाबी ली हमने, हमारे ऊपर एकदम अजीब सा फील होने लगा है हमको। एंड भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरे को कुछ होश नहीं है। तो एक पुलिस वालों को मार देते हैं, अरे ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। भाई गाड़ी आ रही है, टक्कर देने वाली है मुझमें, इसको मारते हैं भाई। ओके भाई बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने इसको मार दिया है। तो भाई चाबी मिल चुकी है हमको, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। यानी कि अगर इस वीडियो पे आप लोग 20 लाइक करवा देते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो पे 20 लाइक करवा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।